तो फाइनली दोस्तों Realme की तरफ से आज बहुत ही ज्यादा बेसब्री के बाद आप सभी को Realme 2 और Realme C1 में एक नया मंथली अपडेट देखने को मिलेगा। और इसमें बहुत ही ज्यादा ये यार बहुत ही बड़ा वाला अपडेट है आपके लिए, बहुत ही गुड न्यूज है, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है आपके लिए। और अगर आपको अभी तक नहीं मिला तो यार ये अपडेट जो है OTA कल से ही सभी को मिलना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अगर आपको अभी तक नहीं मिला तो आप सिंपली वेट कर सकते हो, नहीं तो आप हमारी इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मैन्युअली कैसे अपडेट कर सकते हो अपने Realme 2 और Realme C1 के डिवाइस को। दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप अपडेट कर सकते हैं मैन्युअली और इसमें आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। Realme C1 और Realme 2 में जैसा कि आपको पता ही है कि दोनों में सेम ही आपको सेम ऑप्शन ही सेम फीचर्स ही देखने को मिलते हैं जब आपको कोई भी नया अपडेट मिलता है। तो ऐसे में इस अपडेट के साथ दोस्तों Realme 2 में थोड़ा सा आपको एक ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, एक्स्ट्रा फीचर मिलेगा। तो चलिए क्या फीचर मिलेगा, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं और दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि कैसे आपको मैनुअली अपडेट करना होगा। मेरे पास Realme 2 है तो सबसे पहले मैं होम पेज पे आ चुका हूँ, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो अपडेट पैकेज। यहाँ पे आपको जाना होगा फाइल मैनेजर में, फोन स्टोरेज में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जिस भी फोल्डर में आपका डाउनलोड हुआ है वो वाला अपडेट पैकेज, तो आपको डाउनलोड में जाना होगा। डाउनलोड में आपको ये मिल जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं RMX का फोल्डर जो है, ये आपका जो अपडेट पैकेज जो है अपडेट ये वाली फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है। इसके ऊपर आपको टैप करने के बाद आपको इसे कट और या आप कॉपी कर सकते हो। कट या कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको मेन सिंपली बैक आ जाना है और मेन फ़ोन की जो स्टोरेज है वहाँ पे आपको इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको ऑल फाइल्स में इसे अप करने के बाद इसके बाद आपको सिंपली बैक आ जाना होगा। बैक आने के बाद दोस्तों आपको सिंपली होम पे क्लिक करने देना होगा। अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे आने के बाद आपको सिंपली अपने मोबाइल फ़ोन को आपको मोबाइल को स्विच ऑफ करना होगा। तो स्विच ऑफ करके मोबाइल को रख देना है, उसके बाद आपको दोबारा से जो है वॉल्यूम डाउन और जो लॉक वाली ऑप्शन है उसे पावर ऑफ वाली उसे दबा कर रखना होगा। उसके बाद आपको दोस्तों ये वाली ऑप्शन बूट वाली मिलेगी, यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक कर देना होगा। इंग्लिश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। सिंपली इसके ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद अपना जो आपका पासवर्ड या पैटर्न लगा होगा, जो भी आपका पासकोड आपको लॉक स्क्रीन पे लगा रखा है वो उसे लगा दीजिए यहाँ पे। तो उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फ्रॉम फोन, तो उसे आपको सेलेक्ट कर देना है, उसके ऊपर क्लिक करना है। सिंपली क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फाइल्स दिखाई देंगी, तो वो वाली फाइल आप देख सकते हैं RMX 3 लाइन तीसरे नंबर पर पड़ी हुई है, इसके ऊपर क्लिक करना है और सिंपली आपका जो है अपडेट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अपडेट आपका होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद दोस्तों सिंपली आपका एक ऑप्शन आएगा रिबूट और ओके, तो आपको रिबूट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। रिबूट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं आपका होम स्क्रीन ऐसा कुछ देखने को मिलेगा इंटरफेस अपडेट करने के बाद। तो उसके बाद दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेंगी। तो Realme 2 एंड Realme C1 में आपको 5 मार्च का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल में देखने को मिल जाएगा और आपको दोस्तों Realme 2 एंड Realme C1 में एक्सपर्ट मोड का ऑप्शन कैमरा में देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छी बात है, मैनुअली आप इससे अपना जो है ISO और जो है अपना कोई भी जो आफ्टर फोकस या कुछ भी सेट कर सकते हो, ऑटो फोकस वगैरह सभी मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे Realme 2 में आपको दोस्तों एक और ज़्यादा बड़ा फीचर, Realme 2 में आपको एक एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है कि आप फिंगरप्रिंट सेंसर की मदद से अपनी जो है फोटोज़ को कैप्चर कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो दोस्तों अगर आप ऐसे ही अपडेट्स सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।